हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योम इंग्लिश सेंटर में। तो आज मैं आप सबको कुछ बेसिक सी ग्रामर बताने जा रही हूँ। तो आज से मैं ग्रामर स्टार्ट करने जा रही हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल योम इंग्लिश सेंटर में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करती हूँ बेसिक सा ग्रामर। तो यहाँ है वर्ण माला, जिसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो अल्फाबेट। वर्ण माला जो कि हिंदी ग्रामर है, मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ने होते हैं, जिसमें आते हैं क ख ग घ, य र ल व, च छ झ झ, आ आ ई ई इत्यादि। जो आप वर्ण माला में पढ़ते हो, वहीं इंग्लिश में आप पढ़ते हो अल्फाबेट, जिसमें आते हैं आपको ए बी सी डी एफ जी एच आई ई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू यू एक्स वाई जेड। तो ए से जेड तक जो आप पढ़ते हो वो हमारे कहलाते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, और ये अल्फाबेट दो भागों में विभक्त होते हैं, मतलब बटे होते हैं, जिसमें से आपको हो जाएंगे फाइव लेटर्स ऐसे हैं जो कि वॉवल्स कहलाते हैं। बाकी का जो 21 बच जाएंगे वो कहलाएंगे कॉन्सोनेंट्स। और ये अल्फाबेट होते हैं 26, जिसमें से फाइव होते हैं वॉवल्स और जो फाइव छोड़ के बच जाते हैं 21 वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, टोटल होते हैं 26 अल्फाबेट, दो भागों में बटे होते हैं, जिनमें से वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो वॉवल्स कितने होते हैं फाइव और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं 21। 5 + 21 को ऐड करोगे तो हो जाएंगे 26, और ये 26 कहलाते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट्स। तो आइए जानते हैं वॉवल्स में कौन कौन से वो फाइव लेटर्स आते हैं जो कि आपको पढ़ना होता है, और कॉन्सोनेंट्स में कौन कौन से वो 21 लेटर आते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ वॉवल्स जो कि होते हैं फाइव, और वॉवल्स को हिंदी में कहते हैं स्वर। यहाँ कॉन्सोनेंट्स जो कि हिंदी में कहलाते हैं व्यंजन, और ये होते हैं 21। तो आइए देखते हैं वॉवल्स में कौन कौन लेटर आते हैं और कॉन्सोनेंट्स में कौन कौन लेटर आते हैं। तो वॉवल्स में आते हैं ए ई आई ओ यू, ये पांच लेटर होते हैं जो कि वॉवल्स कहलाते हैं। ओके, वहीं कॉन्सोनेंट्स में जो ये पांच छोड़कर 26 में जो पांच छोड़कर 21 जो बचते हैं वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। और इसमें आते हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, तो आपने देखा ये फाइव वॉवल्स कहलाते हैं और ये 21 कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। आप इसे गिन भी सकते हो, ये 21 है। ओके, तो फाइव और ये 21, फाइव वॉवल्स कहलाते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, और ये दोनों जो जब ऐड हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, अल्फाबेट। तो इंग्लिश के अल्फाबेट हैं जो दो भागों में व्यक्त होते हैं, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स में। वॉवल्स फाइव होते हैं जिसमें ए ई आई ओ यू होते हैं, और ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो बचते हैं वो 21 कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स, कोई भी शब्द वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स के प्रयोग से ही बनता है और शब्दों का निर्माण करते हैं वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स मिलकर, जिनका उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों यानी वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों की ध्वनियों के अनुसार होता है। ओके, तो यहाँ आपको याद रखनी है कि कोई भी शब्द वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स मिलके ही बनते हैं, जो कि आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। लेकिन इनमें से सिर्फ वाई ही एक ऐसा अकेला वर्ण है जिसकी स्वर तथा व्यंजन दोनों ध्वनियाँ हैं। ओके, तो ये आपको याद रखनी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। ओके, नेक्स्ट में और भी आपको बहुत कुछ बताऊंगी। तो ये मेरा इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट वीडियो था स्टार्टिंग का, जो कि मैं आपको सिर्फ बेसिक बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए बेसिक की बातें मैं यहाँ बताई हूँ।